मेरा नाम मुंशी राम है, मैं गुरदासपुर से हूँ और मेरी उम्र अब 85 साल है और 85 साल की उम्र में मैं सेहत के संबंध में ही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि सेहत हर प्राणी के लिए बड़ी ज़रूरी है और इसकी संभाल रखने की हमें ज़रूरत है। तो हर उम्र में सेहत को ठीक रखना जो है हमारा फ़र्ज़ है और मैं समझता हूँ कि चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, उसको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखना भी सर्वत के भले की बात है। मैं ऐसे कहूँ कि कुदरत की ये करामात न्यारी हर प्राणी को लगती है अपनी जान प्यारी। पशु पक्षी रहा या कीड़ा मकौड़ा, मारना किसी ने चाहा तो जान बचा कर दौड़ा। कहो अगर किसी से छोड़ दो ये प्राण, तुम्हें स्वर्ग में पहुँचाएंगे। कहेगा वो बेरुखी से, पहले आप चलो मेहरबान, हम बाद में आएंगे। तंदुरुस्त रहा या कोई बीमार, हर कोई लंबी उम्र का है तलबगार। चाहे कोई सदी को भी कर चुका है पार, वो भी जीना चाहता है और दिन चार। माटी का पुतला ही सही ये बदन, फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहता कोई सज्जन। जब ये बदन है इतना प्यारा, तो इसकी संभाल का करें क्यों नचारा। कुदरत ने दिए हर इंसान को दो बच्चे, तन और मन दोनों इकट्ठे। अच्छी इनकी है परवरिश जो करता, वही जिंदगी में आगे है बढ़ता। तन तंदुरुस्त, मन मजबूत और अच्छा चरित्र है इंसान के सच्चे मित्र। कुछ लोग महलों में रहकर भी नहीं सो सकते, कुछ सड़कों पर सोकर भी हैं खूब हंसते। नहीं पास दौलत तो कोई गम नहीं, है जो पास सेहत वो कम नहीं। न दौलत के लालच में सेहत गवा, जब सेहत ही नहीं तो दौलत से क्या। दौलत का भी अगर लुत्फ उठाना, तो पहले सेहत को बलेगा पड़ेगा बनाना। क्योंकि वातावरण में अब प्रदूषण हो रहा है, खान पीने वाली चीज़ों में भी मिलावट हो रही है, यहाँ तक के दवाइयों में भी मिलावट है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से जितना परहेज़ किया जाए, खाने वाली जो मिलावट वाली चीज़ें हैं, और वातावरण को साफ किया जाए, तो सेहत के लिए वो लाभदायक हो सकता है। रहे मैं कहता हूँ, योगा को हमें ऐसा बना देना चाहिए जैसे हम सुबह कहते हैं कि सबको ही नाश्ता करना है, तो योगा को नाश्ते से पहले हम कर लें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी सेहत के लिए। और मेरे साथ ही कुछ लोग 80 साल से ऊपर हैं, वो ज़रूर कहेंगे कि हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं उनको कहूँगा कि दूसरों के जब सहारा लेना पड़ता है, तो जो अवॉइड नहीं किया जा सकता सहारा, तो ले, नहीं तो हम अपने आप को ऐसे रखें कि हम खुद ही अपनी सेहत की संभाल कर सकें और दूसरों के ऊपर बोझ ना बने। जो लड़कियां हैं उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहूँगा बेटी की सेहत अच्छी बनाओ। बुढ़ापा एक ऐसा दोस्त है जो जिसको हम बनाना तो दोस्त नहीं चाहते, लेकिन ये ज़बरदस्ती दोस्त बनता है, ज़बरदस्ती हमारा साथ देता है। तो मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप योग को अपना लें, इसको अपना साथी बना लें और इसका आनंद उठा लें, अच्छी सेहत लंबी उम्र का भी लाभ उठा लें। उम्र का बुढ़ापा कुछ नहीं, जब दिल और धड़कन जवां है। बरसों की गिनती कुछ नहीं, जब बदन और हरकत जवां है। जब तन में है ताकत और लचक सही, तो समझो जवानी रवां है।